गाइस मैं एक बार फिर से आ गई आप सबकी अंजलि और मैं आज फिर से वो पाकिस्तानी बंदरिया को पकड़ने आई हूँ, फिजा खान को, ये चुड़ैल को। तो आज मैं मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे इसके ऊपर हंसी आता है। तो गाइस ये वीडियो भी हमारे ही चैनल का है, दुनिया इस वीडियो को रिएक्शन दे रही हो तो मैं सोची मैं क्यों ना दूँ। तो मैं फिर से आ गई आप लोग के सामने इस वीडियो को रिएक्शन देने के लिए, इस चुड़ैल को अच्छे से मजा चखाने। बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे। याद रखना मेरे चीरने के लिए कुछ भी। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की एक बार फिर से खिलाफवर्जी करते हुए आज़ाद कश्मीर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से वादी नीलम, जेहलम और बाग में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और शेलिंग भी की गई। भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत में 4 अफराद जान से गए जबकि दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। गजब बेइज्जती है। बीजेपी का पेड़ मीडिया जो कि हर वक्त बीजेपी के बारे में गलत इमेज बताता रहता है कि बहुत अच्छा है, बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरा हुक्मरान पूरे रोही जमीन पर नहीं होगा। A few moments later, अपने मुल्क की इकॉनमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे ऐसा दर अमेरिका के सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया, कितने वायदे तय कर आया, आई थिंक 68 या 67 वायदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं चले, यहाँ पे बात खत्म करते हैं। इतने वायदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय कर आया, किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहाँ पे, नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। को तोड़ लेंगे, लेकिन देखिएगा कि जो साजिशें वो बुन रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो साजिशें वो कर रहे हैं, उनका भारत खुद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जो हिंदुस्तान के तो टुकड़े कर सके। जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है, इस जुमले ने हर दौर में अपनी हकीकत साबित की है, या फिर कह दें कि अपनी अहमियत साबित की तो गलत नहीं होगा। ये जुमला माजी के हर जालिम के अंजाम का अकास बना और यही जुमला मुस्तकबिल में आने वाले हर जालिम के लिए सबक भी होगा। बिल्कुल सही कहा भैया तुमने, जब अच्छे हो जाता है वक्त खत्म हो जाता है। तरीके से तुम्हारे आतंकवादी का जुर्म कश्मीर में बढ़ गया था, मोदी जी ने एक ही घंटे में खत्म कर दिया है। तुम अपने स्टूडियो में बैठकर बड़बड़ाते हो, गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा, इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर के यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी लाकर के यहाँ रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से oh God. सही जा रहे हो मोदी जी। क्या भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या भारत इस जंग के बाद अपना नामो निशान दुनिया के नक्शे पर तलाश कर सकेगा? तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तुम लोग किसी चीज में पहले नंबर दूसरे नंबर पे हो गया किसी चीज में? नहीं हो ना? हाँ, तुम सिर्फ, तुम्हारा जो पासपोर्ट है ना वो सिर्फ घटिया है, एक नंबर का घटिया पासपोर्ट है तुम्हारा, उसमें तुम दूसरे नंबर पे हो, वो भी घटियापन में। उनके कपड़े उतरवा दिए गए अमेरिका में, ये तो हमारी इज्जत है। इतनी कौन सी हमारी को दुनिया के अंदर कीमती नेशनलिटी है जो आप इंडिया पूरी दे सकते? कोई ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर, आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की, एहसान कर रहे हैं आप रोहिंग्या मुसलमानों को। देख लीजिएगा वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है, और इसी के साथ मैं क्लोजिंग की तरफ जाना चाहूंगी कि इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चल झूठा, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, भूगोल के साथ साथ इतिहास बदल देंगे।
रोक देंगे सिंध का पानी, त्राही त्राही मच जाएगा। लाहौर में गूंजेगा वंदे मातरम, कराची जय हिंद चिल्लाएगा। मोहलत मिली अगर दो घंटे की, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। फिर एटम बम चलाने, क्या बात तुम्हारा आएगा। हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या ही बताऊं आपको, ये फिजा खान को देख के तो मेरे को इतनी हंसी आती है। इस पाकिस्तान और फिजा खान की बेइज्जती होती है ना, दिल को ठंडक मिल जाता है। रियली बोल रही हूँ, चूतिया एक नंबर की, क्या चूतिया पा करती रहती है झंडू। और मैं चाय पी रही थी, चाय पीते पीते मेरे को इतनी हंसी आई कि चाय की सिप भी गिर गई मुझसे। ओ गॉड, बहुत हंसी आ रही है इस वीडियो देख के। अगर आपको हमारा ऐसे ही रोस्टिंग वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हमेशा ऐसे ऐसे वीडियो देखने मिलेंगे। और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा और मैं कैसी लगी आपको। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाओ जाओ जाओ, चाय तो पीने दो यार मुझे, अब कितना इंटरटेन करूँ आपको। नहीं गए अभी तक, जाओ। I am sorry, Babu. Bye.